मैं प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एकिप 3। ये टेडेक्स है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए, और जो भी कुछ साइंस में, सोशल साइंस में या आसपास चीज़ें हो रही हैं उनसे अपने ऐसे अपने स्टूडेंट्स को बताएं, और एक आगे बढ़ने की रास्ता जो है वो हर प्रकार से आता है, तो रास्ता बच्चे को पता होना चाहिए, वो रास्ते बच्चे आगे बढ़े और कुछ ऐसा दिखाए करके कि लोग उसे याद रखें। इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जैसे आप सुन रहे हैं, कुछ स्ट्रीम के हैं, कुछ आर्ट्स के हैं, कुछ साइकोलॉजी के हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं, कुछ लायर्स हैं, तो हर डिसिप्लिन का आदमी है और अपने अपने आप में एक्सपर्ट है, तो उनके एक्सपर्टाइज से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। कुछ दिल्ली से हैं, कुछ दयालबाग से हैं, और कुछ महाराष्ट्र से भी आए हैं, कुछ अहमदाबाद से हैं। मेरा नाम रीमा अहमद है, मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। टेडेक्स ये मेरा दूसरा टेडेक्स है, लेकिन मेरे लिए ख़ास इसलिए क्योंकि ये मेरे शहर में हो रहा है, और जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं काम करती हूँ, जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, आमतौर से इसको बुरा माना जाता है और लोग इनक्रेज नहीं करते स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो उसकी अवेयरनेस पर मैं 6 साल से काम कर रही हूँ। और क्या यहाँ पर भी मैं वही बात करूँगी कि क्यों सेक्स एड ज़रूरी है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और एक ओवरऑल वेलबींग के लिए बच्चों की और उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। बाहर के लिए मैं एक अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ कैंडिडली, जिसपे हम जेंडर इश्यूज़ की बात करते हैं, अब्यूज़ अवेयरनेस की बात करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं, सेक्सुअलिटी एजुकेशन, और वर्कशॉप्स भी मैं कंडक्ट करती हूँ पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अडल्ट्स के साथ, इन्हीं सब चीज़ों को लेके। विकृति ये है कि हमने एक बड़ी जिसे कहते हैं ना फर्जी सा शर्म का एक पर्दा अपने ऊपर डाल लिया है, जबकि हमारा कल्चर ऐसा है कि जहाँ जो भी चीज़ें, जैसे आप कामसूत्रा को ले लें या खजुराहो को ले लें, जो हमारी एक सेंसुअलिटी थी इंसान की जो शरीर में होती है या मन में होती है, वो बहुत सेलिब्रेट की जाती थी, उसमें कोई शर्मनाक बात नहीं मानी जाती थी। मगर पितृसत्ता के रहते रहते ये धीरे धीरे ये चीज़ बहुत दबा दी गई है, तो इस वजह से बच्चों में इतना कंफ्यूजन होता है जब वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं, कभी वो अब्यूज़ का भी शिकार होते हैं। और बाउंड्रीज, देखिए आजकल आप जहाँ ज़्यादातर आप पढ़ेंगे कि रेप हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने लड़कों को नहीं समझाते कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, कंसेंट, एक जो औरत का जो शरीर है वो एक समान एक चीज़ नहीं जिस पर हम हाथ लगा सकते हैं। तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन पढ़ाते हैं तो उसमें सिर्फ रिप्रोडक्शन इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, बाकी ये सब चीज़ें भी सिखाते हैं कि कंसेंट क्या होता है, परमिशन लेना, बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, अब्यूज़ क्या होता है, हेल्दी रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, प्यूबर्टी के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, मीडिया अवेयरनेस के बारे में। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है जिसे लोगों ने सिर्फ रिप्रोडक्शन तक सीमित कर दिया है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है अपने टीचर्स को ट्रेन करने की, क्योंकि जब तक उनका झिझक नहीं निकलेगी उनकी, तब तक वो बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा सकते। मेरा नाम प्रणव शर्मा है, मैं BM बिरला साइंस सेंटर में साइंस ऑफिसर हूँ, मैं स्पेस म्यूजियम का क्यूरेटर हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ जी। वेल इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, अच्छी बात है, और नए आइडियाज़ को जगह मिलनी चाहिए, और लोगों को कुछ इंस्पिरेशन बात करने की ज़रूरत है, और वो बात बाहर आने भी चाहिए। और हिंदुस्तान क्योंकि बहुत ही यंग नेशन है और बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, तो आई थिंक टेडेक्स एक ऐसा फोरम है जहाँ पे वो यंग लोगों को जगह दी जा रही है और अच्छे आइडियाज़ के बारे में बात हो रही है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग बूढ़े हो गए हैं ना, उन्हें अब घर में रहना चाहिए, हो गया उनका, अब नई और जो ऑर्थोडॉक्स ख्याल है उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए और उसको वहीं दफन हो जाना चाहिए। नई चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, नया होना चाहिए। किसमें सर मैं एक चीज़ बताऊं, मेरी जो जनरेशन है या मुझसे जो छोटे लोग हैं, मैं 26 का हूँ, हमारी जो जनरेशन है ना वो बहुत पीसफुल जनरेशन है, ये सारा कलेश बुड्ढों का मिलाया हुआ है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं ही, हम पढ़ के ही, हम ही तो गए थे ना स्कूल्स। प्रॉब्लम ये है कि जो अल्टीरियर मोटिव लेके एजेंडा आपके घर में एक आदमी बैठा है ना, वो कलेश कर रहा है, विकृति वहाँ है, विकृति हमारे अंदर नहीं है। अब आप अपने घर में एक पैट्रियार्क बैठा दीजिए, ठीक, वो लड़के को काम ही नहीं करने देगा, जब वो लड़के को काम ही नहीं करने देगा तो वो भी पैट्रियार्क बन जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ है,
प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े लोग हैं उन्हें ये समझ में आ गया कि यही एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पॉलिसी है कि पकड़ लो। हमारी जनरेशन बहुत पीसफुल जनरेशन, हम तो पढ़े लिखे हैं ही। आप किसी भी 20s early 30s वाले बंदे से पूछ लीजिए, भाई तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में? नौकरी, पैसा, घर, फैमिली, पांचवा एजेंडा ही नहीं है ना सर। मैं मुकेश बघेल, IIT खंदारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो टेडेक्स जो ये इंडिपेंडेंट संस्था है और जिसका आयोजन जो है IIT खंदारी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करा रहा है, जिसमें कि 14 विश्वविख्यात लोग अपने व्याख्यान देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और समाज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कई तरह के विशेषज्ञ यहाँ पर अपने व्याख्यान देंगे।